सहनावत सहनौन तो सह वीर्य कर्वा वहै तेजस्वीनावीतमस्तमहै ओ शाति 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 वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है प्रणाम है निरंतरता के साथ हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद का और यह वेद जो संसार के हर भेद को खोल देता है यह रहस्यमय विद्या यह कल्याणकारी यह जो विद्या है कल्याणी वेदवाणी जो हमको हर प्रकार से सक्षम बनाती है हमको समर्थ बनाती है हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाती है ऐसी यह विद्या जिसको कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना मनसा वाचा कर्मणा इन मंत्रों के अभिप्राय को समझ करके इनके द्वारा जो हमको इंगित किया जा रहा है जो संकेत किया जा रहा है जो उपदेश दिया जा रहा है उसको आत्मसात करना उसको जीवन में उतारना और जब हम इसको जीवन में उतार लेते हैं तो तेजस्विता से युक्त तो हो जाते हैं हमारा संपूर्ण जीवन सध जाता है हमारा जीवन विकास की ओर आगे बढ़ने लगता है विनाश से बच जाता नहीं तो आज सारे संसार की ऐसी समस्याएं हैं संसार भौतिकता की मार में झुलस रहा है उसकी आग में झुलस रहा है भौतिकता इतनी तीव्रता से सबको आगोश में ले रही सबको अपने प्रकोप में जो है भस्म कर रही है हम इसको संतुलित जीवन में बदलें इसको अध्यात्मय जीवन में बदलें इसको अपने ब्रह्मचर्य से अपने इंद्रियों के नियंत्रण से अपने मन वाणी व्यवहार पर संयम से योग से अध्यात्म से अपने जीवन को बहुत सुंदर व्यवस्थित मर्यादित अनुशासित बनाने का सुगंधित सुरभित विकसित विलसित बनाने का हर्षित बनाने का कार्य करें क्योंकि यह मानव का जीवन बार बार मिलता नहीं है हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि हम अभय रहें हम भय ना खाएं किसी से भी डरे नहीं जो डर गया समझो मर गया तो डरना नहीं है जीना है और उत्साह से जीना है उत्कर्ष तभी होगा लोग कहते हैं जो कर नहीं तो डर कहा वास्तव में डरते वही हैं जिन्होंने कोई गलती की है जिन्होंने कोई पाप किया है जिन्होंने कोई छुप करके जाने अनजाने भी पाप बहुत होते हैं तो उनको करके व्यक्ति फिर संकोच करता है फिर भय करता है शर्म करता है अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपने आप को संकुचित करने लगता है तो जो व्यक्ति तेजस्वी होगा जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होगा जो व्यक्ति योग साधना में रत रहेगा उसको कभी कोई डर नहीं होता है वह सत्य जीवन जीता है और साँच को आँच कहाँ साँच को सदा जो है वो उत्साह में रहने का सामर्थ्य प्राप्त होता है उस परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है इसलिए हम अपने जीवन को सोमपान से उजिष्ट करें साहस की प्राप्ति करें हमारे इंद्रियों में बल हो हमारे शरीर में बल हो मनोबल आत्मबल बुद्धि बल हमारा धन बल जन बल हर प्रकार से हम प्रबल हों इसके लिए यह आवश्यक है कि वेदोक्त जीवन जिए आत्म अनुकूल ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जीवन को जिएंगे तो ही कल्याण नहीं तो ये नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्से करोति किम कौन क्या कर सकता है तो यस्ते नास्ति स्वयं प्रज्ञा जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है विवेक नहीं है स्वयं सोच विचार का सामर्थ्य नहीं है ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है तो उसके लिए शास्त्र उपनिषद दर्शन आदि भी कुछ नहीं कर सकते और आचरण भी होना चाहिए बिना आचरण के हम कितने ही मंत्र कितने ही श्लोक कितने ही सूत्र याद कर लें लेकिन उनका कोई लाभ नहीं होगा यदि हम इनको याद करके अपने जीवन में उतारते हैं तो कल्याण होगा इसलिए कहा आचारहीनम न पुनंति वेद आचरण से हीन व्यक्ति जो जिस जान को माता पिता गुरुओं से बड़ों से पाया है कल्याणी वेद वाणी ने जो समझाया है फिर भी समझ में नहीं आया है ऐसा व्यक्ति अपना भी अकल्याण करता है और संसार का भी अकल्याण करता है हम कल्याण से जुड़ें इसके लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारा जीवन बहुत ही प्रबल आ, कामना वाला हो विवेक पूर्ण हो और बलिष्ठ हो शरीर और मन उसके लिए यह बात कही है तो मैं वेदमंत्र लिखता हूँ पहले फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष ओम ऋषियों ना Huwa pa ma. श्रीश्चन वपा नमः दही पीबा सोम वशाम अनु सोमम वशाम अनु निमेघमानो मेघ मानो मघवन दिवे दिवा दिव ओजिष्ठम दधी सह ददशे सह ऋग्वेद के आठवें मंडल के चतुर्थ सूक्त का यह दसवां मंत्र है तो इस वेद मंत्र का बहुत ही सुंदर भाव है कि हमारा जीवन बहुत ही प्रबल हो सफल हो प्रबलता के साथ सफलता के साथ जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है जहाँ पर हताशा है निराशा है जहाँ पर असफलता है जहाँ असमंजस है जहाँ पर अधर्म है अन्याय है अविद्या है अज्ञान है अंधकार है वहाँ जीना दुखों का पहाड़ टूटना है इसलिए हम कैसे जीवन को ओजस्वी बनाए उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में कहा न जैसे त्रिश्यन पिपासा कुल हुआ हुआ ऋष्य मृग अवपानम पानी पीने के स्थान जो जलाशय आदि को प्राप्त होता है उसी प्रकार से हे जीव तू भी आ गही तू भी आ और वसान अनु इंद्रियों को वश में करके अपने जीवन को भी सफल बना इंद्रियों को वश में करने के अनुपात में सोम पिबा सोम का पान कर यदि इंद्रियों की चंचलता इंद्रियों का यदि हम नियमन करते हैं इंद्रियों को यदि नियंत्रण में रखते हैं तो निःसंदेह है, हमारा संपूर्ण जीवन तेजस्वी हो जाता है हम भोग विलासी नहीं होते हैं हम अपने विवेक पूर्ण वैराग्यपूर्ण जीवन को सफल बनाने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं इसलिए यहाँ कहा है कि यदि तुम भी अपने को तृप्त करना चाहते हो अपने को इतना सफल बना करके के शोक संतृप्त लोगों की सहायता उनके सहयोग से युक्त होकर के अपने जीवन को भी पूर्ण शांतमय बनाना चाहते हो तो सोम का पान करो इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और जो है वीर्यवान बनो बुद्धिमान बनो बलवान बनो इस सोम का आधान करने से शक्ति के पान से ही तेरी पिपासा शांत होगी यह सोम ही तो तेरे अंदर शक्ति का ज्ञान का विवेक वैराग्य का समर्पण का श्रद्धा का और हर प्रकार से सक्षमता का वर्धन करेगा हे मघवन यजशील पुरुष मिह सेचने धातु से बना है निमेघ अपने अंदर शक्ति का सेचन करता हुआ ही तू दिवे दिवे प्रतिदिन ओजिष्ठम ओजस्विता से युक्त सह शत्रुओं के कुचलने वाले बल को दधिशे धारण करता है यज्ञादि कर्मों में लगे रहने से वासनाओं का उदय नहीं होता और सोम रक्षण होकर शक्ति की वृद्धि होती है यज्ञ कर्मों में जब लगे रहेंगे जो कल्याणकारी कर्म हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के साधन के रूप में हम सेवा सत्कार परोपकार सदाचार से सुसंस्कार से युक्त होते हैं सत्संग से भजन से ईश्वर के चिंतन से हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं हम जो भी आत्म कल्याण से इस संसार के कल्याण का जो बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा है हमको उसका उपदेश किया है वैसे हम जीवन जीने लगेंगे तो निःसंदेह है आनंद ही आनंद होगा ये जाति कर्मों में लगे रहने से वासनाओं का उदय नहीं होगा क्योंकि आलसी बन कर के यदि निठल्ले बन करके बैठेंगे तो ये हमारी जो चित्तवृत्ति है ये जो मनोवृत्ति है ये जो वासना वृत्ति है जो भोगवृत्ति है ये हमको सताएगी और जब भोगवृत्ति आएगी जब इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाएगा तो व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है अधोगति को प्राप्त हो जाता है ऊर्ध्व रोहण नहीं कर पाता है गति से हमको युक्त होना है हमको विषयों से इन भोगों से मुक्त होना है इसके लिए यह आवश्यक है कि हम वेदानुकूल जीवन जिये और इन उपदेशों का जीवन में अपने आधान करें हम सोमपान के लिए प्रबल कामना वाले हों इंद्रियों को वश में करते हुए सोम का रक्षण करें प्रतिदिन सोम का शरीर में ही सिक्त रहते हुए ओजस्वी व सहस्वी बने हम सहमर्षण जो इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा अपने लोभ वृत्ति को कामवृत्ति को या जो आलंबन है उसको वह दूर से ही चकनाचूर कर देगा अर्थात उस पर वो आगे नहीं बढ़ करके अपने आप को संयमित रखते हुए जीवन को जब जीता है तो नहीं संदेह उसका जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है दूसरों के लिए वह उदाहरण बन जाता है दूसरों के लिए वह आदर्श बन जाता है तो हम आदर्श बने दूसरों के हम ऐसा यशस्वी जीवन जिए ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए उसके लिए तो पुरुषार्थ उसके लिए तब बहुत आवश्यक है इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं और सबसे बड़ी शत्रु हैं यदि इंद्रियों पर हम नियंत्रण करते हैं तो इंद्रियाँ हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं और इन इंद्रियों से व्यक्ति का संपूर्ण जो वैभव है वह प्राप्त होता है वह पूरे जो कुछ उसको चाहिए जो कुछ उसके मनोभाव हैं उसकी जो मनोवृत्ति है वह वृत्ति अवश्य ही पूर्ण होती है तो ऐसा हम जी पाए यदि एक एक इंद्रिय हमारी वश में नहीं है अगर हम संपूर्ण इंद्रियों को जो हमारी जान इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये जो अंतःकरण चतुष्टय हैं इनको यदि हम संयमित कर लेते हैं तो संसार में हम जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन यदि हमारी वृत्ति ठीक नहीं है एक इंद्रिय की भी यदि हमारे अंदर कमजोरी है जिहवा की लो है यदि आहार पर नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है यदि आँखों दृष्टि जो है यदि हमारी नेत्रेंद्रिय हमारी ठीक नहीं है हमारा देखने का नजरिया जो है वो ठीक नहीं है तो व्यक्ति को पतन क्यों ले जाता है हमारे यदि सुनने का जो सामर्थ्य है वो सुनने में भी कुछ लोगों को अलग अलग विषयों की चीज़ें ज़्यादा किसी को जो है ईर्षा द्वेष छल कपट की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं या वाणी से कठोर बोलना या किसी की बुराई करना ये भी हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है तो ये जो रसेंद्री है या बोलने की इंद्रिय है जिह्वा इसको भी नियंत्रण में रखना क्योंकि एक की कमी से सारी चीज़ें दूर हो जाती है सारी चीज़ें जो हमारे लिए कल्याणकारी का वो हमसे दूर चली जाती हैं हम संपूर्णता से अपने आप को नियंत्रण में रखें रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि ये जो क्षणिक सुख हैं इन सुखों से बचने का प्रयत्न करें तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और बहुत सुंदर बात कही है कि जो युवा युवतियाँ जो नौजवानी में अपने आप को संभाल कर रख लेते हैं जो अपने आप को इस ब्रह्मचर्य काल में अपने आप को संभाल करके कर रखते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते कुछ भी हो जाए उनका जीवन अत्यंत महनी हो जाता है इसलिए कहा है एक गीत सुनाता हूँ सुनना है ध्यान से इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के एक गीत सुनाता हूँ सुनना है ध्यान से इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के विद्या जो पढ़ोगे सभी विद्वान बनोगे ब्रह्मचारी रहोगे बड़े बलवान बनोगे विद्या जो पढ़ोगे सभी विद्वान बनोगे ब्रह्मचारी रहोगे बड़े बलवान बनोगे नेता बनोगे तुम ही इस भारत विशाल के नेता बनोगे तुम ही इस भारत विशाल के इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के शुभ कर्म करोगे तो सदा नाम पाओगे ऋषियों की सभ्यता को न बट्टा लगाओगे शुभ कर्म करोगे तो सदा नाम पाओगे ऋषियों की सभ्यता को न दाग लगाओगे सब काम सोच कर करोगे देखभाल के इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के भारत के लिए लोह की दीवार हो जाओ अंदर के दुश्मनों से भी होशियार हो जाओ भारत के लिए लोह की दीवार हो जाओ अंदर के दुश्मनों से भी होशियार हो जाओ हो नाम ले वाणा सागा छत्र साल के हो नाम लेवराणा साग छत्र साल के इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के इस गीत को रखना मेरे युवकों संभाल के तलवार तोप ले मैदान में आना भारत माता की लाजयू को तुम्हें है बचाना तलवार तोप ले मैदान में आना भारत माता की लाजयू को तुम्हें है बचाना ना भूल जाना भाव है ये इस विशाल के इस गीत को सुनना मेरे युवकों को संभाल के इस गीत को सुनना मेरे युवकों को संभाल के तो हम यह निसंदेह अपने जीवन और जगत के लिए निडर हो के पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके जीवन को जीने लगते हैं तो यह जीवन अत्यंत महनी बन जाता है याद रखिए कि संसार के जो सुख हैं, संसार के जो भोग हैं वो रोग उत्पन्न करने वाले हैं यदि हम भोगी बनकर के जीवन को जिएंगे, यदि इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का सामर्थ्य भी क्षीण हो जाएगा हमारे बौद्धिक सामर्थ्य को भी अति क्षतिग्रस्त होना पड़ेगा हमारे तर्क शक्ति हमारे जो इंद्रियों का हमारे बुद्धि का हमारे मन का और आत्मा का बल धीरे धीरे घटता जाएगा और यह मनोबल यदि गिर गया आत्मबल व्यक्ति का क्षीण हो गया तो वो संभल नहीं सकता कुछ भी कितनी भी धन संपत्ति हो संसार में कितनी भी यश कीर्ति हो संसार में हमारी लेकिन हम कभी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते जिनका मनोबल गिरा है जिनका आत्मबल जिनका बुद्धि बल नहीं है वो क्या करेंगे संसार में इसलिए बुद्धि बल के लिए भी मनोबल के लिए भी आत्मबल के लिए शरीर के बल के लिए इंद्रियों में देखने का आंखों में देखने का कारों में सुनने का रसना में चखने और बोलने का नासिका में सूंघने का त्वचा में स्पर्श करने का सामर्थ्य हमको अंतिम श्वास तक मिलना चाहिए तो जीवन हमारा श्रेष्ठ होगा सफल होगा यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निसंदेह अल्पकाल में ही अल्प आयु में ही हमारा जीवन विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है और विकास से हम युक्त नहीं हो पाते हम विनाश को प्राप्त होते हैं हम विनाश को नहीं विकास को प्राप्त करने के लिए जन्म लिए हैं हम सफल होने के लिए जन्म लिए हैं हम उत्थान के लिए जन्म लिए हैं उस परम पिता ने हमारे इस जीवन को बहुत ही हमारे जन्म जन्मांतरों के जो शुभ कर्म है उसके कारण जीवन मिला है तो इसको क्षणिक भोगों में इसको दोषों में दुर्गुणों में दुर्व्यसनों में खोना नहीं है यह पाया है मनुष्य जन्म अनमोल रे इस माटी में रोल रे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं तो हम सभी मिलकर के ईश्वर की भक्ति करें कल्याणी वेदवाणी का जो आदेश उपदेश संदेश है उसको माने और वैसा जीने का प्रयत्न करें ओम शांति शांति शांति